अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में फल ज़्यादा लगें, बड़े लगें, चमकदार लगें, फूल ज़्यादा आएँ, फूल की पत्तियाँ अच्छी हो, फ्लावर बड़े बड़े हों, ज़्यादा हों, तो उसके लिए आज बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त वाला फर्टिलाइजर शेयर कर रही हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो पूरी देखिएगा जानकारी के लिए। दोस्तों ऐसा रिजल्ट मिलेगा आप हैरान हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंजू ब्लॉग्स एंड गार्डनिंग में। तो आज मैं आपके साथ जो है अनियन पीले प्याज है, प्याज के छिलकों का जो है फर्टिलाइजर बनाने की विधि बता रही हूँ। दो तरीके से हम बनाएंगे, और गुलाब में, मोगरे में, चाहे गुड़हल में, आप इसको किसी भी प्लांट में, फल फूल के प्लांट में डाल सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही अच्छा वाला फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इससे हम पूरी एनपीके की खाद तैयार करेंगे। एनपीके जिसमें मैं दो चीज़ें और मिलाऊँगी, जिससे कि हमारा पूरा एनपीके घर में बन जाएगा। केमिकल लेने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल तो हम बाहर का खा ही रहे हो, देख ही रहे हो। तो इससे फल फूल भी ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा इंक्रीज होगा इससे। तो इसका फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे, और चलो शुरू करेंगे हम अब इसको बनाना। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं, ये मैंने अनियन ले रखे हैं, अनियन पील फर्टिलाइज़र जो है पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा फर्टिलाइज़र होने वाला है। ये मैंने निकाल रखे हैं इतने सारे, इनको आप अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है। जब आप इसमें धूप में सुखाओगे तो ही ये ग्राइंड होगा। इस तरह से इसको निकाल लीजिए। तो ये मैंने इसमें निकाल लिया है दोस्तों। प्याज के छिलके में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो फल और फूल, गुड़हल, गुलाब, मोगरा और फ्रूट्स के पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो प्याज काटते समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वो सल्फर की वजह से होता है। सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है, और ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया इससे तेज होती है, जिससे हमारे पौधे अच्छे से खाना बना पाते हैं अपने लिए। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैं और भी इसको हम तगड़ा बनाने के लिए, ये हमने ले रखी है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन पूरी मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में होता है। इसको डालने से हमारी सॉइल जो है एसिडिक होती है। इसमें 4.4% नाइट्रोजन होता है, 0.24% फास्फोरस होता है, 0.25% पोटेशियम होता है। एंड नाइट्रोजन जो है पौधों की ग्रोथ और प्लांट को हरा भरा रखने के लिए ज़रूरी होता है, और फास्फोरस से फल और फूल काफ़ी मात्रा में निकलते हैं। पोटेशियम हेल्दी और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पोटेशियम जो है फोटोसिंथेसिस हुई प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसी को हम बोलते हैं एनपीके। हमारा ये फ्री का एनपीके बनके तैयार हो गया, पोटेशियम नाइट्रोजन और फास्फोरस से। तो इसको मैं पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं, ये हमारा पहला नंबर वन का फर्टिलाइजर बनके तैयार होगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको अच्छे से सुखा लेना है, तभी ये ग्राइंड होगा छिलके अच्छे से। दोस्तों अब ये एनपीके नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस तो हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको और मजबूत करने के लिए ये मैंने लिए हैं अंडे के छिलके, जो को इसको मैंने अच्छे से सुखा लिया है। इनको अच्छे से वॉश करना है, वॉश करने के बाद इनको अच्छे से सुखा लेना है। इन छिलकों में, अंडे में पोटेशियम फास्फोरस भी होता है, साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है कैल्शियम। कैल्शियम जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम अगर आप प्लांट में नहीं डालते हो तो आपके प्लांट कमज़ोर होंगे, उनके जो फल या फ्रूट लगते हैं उनकी जो साइज होता है वो बहुत छोटा होगा। तो ये पौधों में, इसके पौधे में, इसके विकास के लिए, पौधों की जड़ों को मजबूत होने के लिए, स्टेम मजबूत होने के लिए, फल फ्रूट को अच्छा बड़ा साइज करने के लिए हमारा अंडे का छिलका बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी मैं इसके साथ ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अगर आप इसको अंडे के छिलकों को हम खाली क्रश करके बड़ा बड़ा डालेंगे तो अंडे के छिलके काफ़ी समय तक जो है डिजॉल्व नहीं होते, वो घुलते नहीं हैं अंडे के छिलके। तो धीरे धीरे उससे हमें न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को मिलेगा। ग्राइंड करके थोड़ा सा पाउडर बन जाता है, तो ये जल्दी से हमारे पौधे इसको इनटेक कर लेंगे अच्छा सा, ये हमारा बन जाता है। तो ये हमारा बहुत तगड़ा जो है पौधों में डालने के लिए बहुत ही तगड़ा फर्टिलाइजर बन के तैयार हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट फर्टिलाइजर की बात करते हैं। तो दोस्तों हम दूसरी तरीके से प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर कैसे बनाएं, दूसरी साइड से ये है, ये मैंने एक जार ले रखा है, बोतल ले रखी है। आप प्याज के छिलकों को बोतल में डाल दीजिए, इसमें हमने इसको अच्छे से डाल देना है। प्याज के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ, प्याज में फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है ना, फास्फोरस, और जो कि ये
पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्दी है और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारा बहुत हेल्दी है, बहुत जरूरी है फास्फोरस। तो ये देखिए, और इसमें हम डाल देंगे पानी, ये देखिए, और इसको बंद कर दीजिए। मैं तो 2 से 3 दिन तक इसको बंद करती हूँ। अगर आप जल्दी आप हो तो कम से कम 12 घंटे 24 घंटे इसको जरूर रखिएगा। उसके बाद जो इसका जिस भी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसका तत्व तो जो भी है, फास्फोरस जो भी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, वो इसमें रिलीज हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले जो बना के रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने काफ़ी सारा अपना जो है अनियन पील्स मैंने इसमें डाल रखे थे। इसको 3 से 4 दिन हो गए हैं और इसका कलर देखिए, बिल्कुल कलर एकदम कलर चेंज होता आता है। ये देखिए कि अनियन छिलकों से, तो जब हमारा इतना काम का चीज़ है, इतना इसमें चीज़ें मिलती हैं हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए, बहुत हेल्दी है, तो हम इसे बर्बाद क्यों करें। हमें इसको प्लांट में अपना अप्लाई करना चाहिए। तो ये मेरा हो चुका है। इसको हम जो है क्या करेंगे, छान लेते हैं, छलनी की सहायता से इसको छान के इसमें डालते हैं। ये अब मैं इसको इसमें छान लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं इसको छान चुकी हूँ, अच्छे से मैंने इसको छान दिया है। ये मेरे 1 किलो से ऊपर के जो है अनियन के छिलके थे और ये अब घुल गए हैं, तो इसमें इस टाइप से इतना इसका बन गया है। ठीक है, ये देखिए, तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। तो 3 दिन तो रखिए, 3 दिन रखने से बहुत अच्छा इसका जो अर्क होता है ना, बहुत अच्छा सा निकल जाते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं। और इसमें मैं अभी और पानी डाल दूंगी, इसमें और निकलेगा बहुत ज़्यादा। अभी तो इतनी तीव्र गंध इससे आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही, प्याज के जरा उसमें गंध भी आती है। देखिए, इतना मेरा ये फर्टिलाइजर बन के तैयार हो गया, इतना अच्छा बन गया है। तो दोस्तों, इतना अच्छा जब हमारा फर्टिलाइजर बन जाएगा तो हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती कीजिए, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज कीजिए। हमारे फल फूल सारे ही इससे ना इंक्रीज हो जाते हैं, काफ़ी फल फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा फल फूल इससे आते हैं। तो अब हम बताते हैं कि इसका हम अप्लाई कैसे करेंगे अपने प्लांट में। तो चलिए गार्डन में जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमने फर्टिलाइजर बनाया है, अभी मेरी गुलाब का पौधा है, इसकी जड़ों में इसको डाल देते हैं। छोटा गमला है तो 1 चम्मच काफ़ी होगा, थोड़ी सी और मात्रा बढ़ा देनी है, ज़्यादा नहीं बढ़ानी है हमको इसकी मात्रा। अभी मेरा गार्डन आज गीला भी हो रखा है तो हम इसको अच्छे से मिला देंगे। अभी हम इसमें पानी या लिक्विड डाल के ये सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसको बनाना है। सारे प्लांट में हम इसी तरीके से इसको फर्टिलाइज़र को अपना डाल देंगे, जिससे कि हमारे पौधे में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी। और जो नई नई बेसल सूट्स आप देख रहे हैं ना मेरे का इसमें, तो मैं तो हमेशा अप्लाई करते रहती हूँ, तो ये नई नई सूट्स निकल के आती हैं, इतनी बढ़िया। आजकल तो मैं नर्सरी गई, ऐसी तो स्थिति गुलाब की नर्सरी में भी नहीं दिख रही है। जितने अच्छे मेरे प्लांट हो रहे हैं, जितने अच्छी अच्छी मेरे प्लांट में कलियाँ आ रखी हैं, नई नई बेसल सूट्स आ रखे हैं, पूरा कल्लों से भरा हुआ है, नई नई कल्लों से। तो मैं इस यही अप्लाई करते रहती हूँ अपने, उसमें सारी ऑर्गेनिक गार्डनिंग मेरी होती है, ऑर्गेनिक चीज़ें ही मैं अप्लाई करती हूँ दोस्तों। तो अब मैं बताती हूँ कि हमें लिक्विड वाला कैसे डालना है। तो ये देखिए, ये हमारा लिक्विड मैंने जो छाना, तो इतना मेरा इस डिब्बे में बन गया है, 2 लीटर का डिब्बा है। तो मैंने उसमें मेरे उसमें ना काफ़ी ज़्यादा अनियन पील्स थे, तो थोड़ा सा ये गाढ़ा सा लग रहा है। जब हम प्लांट की जड़ों में इसको डाल रहे हैं तो उतना नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत हम इसमें पानी मिला देते हैं। स्प्रे करने के लिए हमें इसमें ज़्यादा लिक्विड मिलाना पड़ेगा। तो ये पानी मिला दिया है मैंने इसमें, और इसको हम अपनी प्लांट के जड़ों में बस ऐसे ही हम इसको थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्लांट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे करके इसको डाल लेंगे। वैसे ही मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए इसमें डालते हैं, ये देखिए, जितना जितना हमारा प्लांट को ज़रूरत होगी उतने उतने आप इसमें इसको डाल देंगे। ये देखिए, तो मैंने काफ़ी इनमें डाल दिया है। ये देखिए, ये मेरा ग्राफ्टेड गुलाब है, इसमें कितनी सुंदर सुंदर कलियाँ बनी हुई हैं, यहाँ भी बनी है, उधर ही बनी है, और अभी ये कलियाँ खिली नहीं है, ये बन रही है। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही इनमें यूज़ करती हूँ, तो उसका मेरा ये रिजल्ट देखिए 100% मुझे रिजल्ट मिलता है। आप भी ये यूज़ कीजिए दोस्तों। थोड़ी सी अगर हम स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करने के लिए थोड़ा सी इसमें हमें डाइल्यूट और करना पड़ेगा इसको। आप अगर 200 ml ले रहे हैं तो 200 ml लेने में 200 ml में आप 800 ml पानी डालेंगे, यानी कि उसको 1 लीटर बनाना होगा। 1 लीटर बनाने के बाद आप अपना स्प्रे करेंगे, क्योंकि स्प्रे ज़रा हल्का करना चाहिए, ज़्यादा अगर हार्ड हो जाएगा, पोटेशियम ज़्यादा चले जाएगा, फास्फोरस ज़्यादा चले जाएगा, तो आपकी पत्तियाँ बर्न हो जाएंगी और फ्लावर ही बर्न हो जाते हैं, पत्तियाँ ही बर्न हो जाती हैं। तो ये देखिए, अब अपने प्लांट में हम ऐसे ऐसे स्प्रे कर देंगे।
इससे क्या होगा, जो हमारी पत्तियां हैं ये भी चमकदार भी बनेंगी, और इसमें जो से ना इसमें इसके पड़ने से इसमें जो है हमारी फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, जिससे हमारे प्लांट भोजन अच्छा बना पाएंगे और हेल्दी होंगे, अपना भोजन अच्छा बनाएंगे तो ये हेल्दी भी होंगे। और दोस्तों हाँ, जो हमने ये फर्टिलाइज़र बना रखे हैं ना, इनको आप महीनों तक स्टोर करके यूज़ कर सकते हो, चाहे लिक्विड वाला हो तो और भी तगड़ा बन जाता है। इसको आप महीनों तक हमें स्टोर कर सकते हैं, और इसको फिर जब भी आपको हुआ वीकली आप इसको एक एक चम्मच इसको मिलाइए और इसको डालिए, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में आपको अगला नया अपडेट देने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।